बार बार पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करने का काम राज्य शासन कर रही है। नहीं चलेगी। जो सच्ची न्यूज है वो अगर पत्रकार सामने ला रहे हैं, सभी चैनल्स हो या पत्रकारों को दबाने का काम ये राज्य शासन कर रहा है। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ थाने में आज भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र सरकार पर उंगली उठाते हुए भाजपा आमदार निरंजन डावखरे ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी को सच दिखाने का सजा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में पत्रकारों पर बार बार कार्रवाई की जा रही है। अगर पत्रकार सच दिखाता है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं भाजपा पर भी अर्णब गोस्वामी के समर्थन का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप 2018 में रिपब्लिक नेटवर्क स्टूडियो के इंटीरियर डिजाइनर अन्वे नायक और उनकी माँ कुमुद नायक ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट में अर्णब इंटीरियर डिजाइनर कराने के बाद उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसी मामले में रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी को आज उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा आज सड़कों पर अर्णब के समर्थन में उतरकर विरोध प्रदर्शन की है। भाजपा आमदार निरंजन डावखरे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने जो महाराष्ट्र में बार बार पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करने का काम राज्य शासन कर रही है, उसके खिलाफ आंदोलन लिया है। इससे पहले भी हमने देखा कि राहुल कुलकर्णी जो पत्रकार थे उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई की गई, उसके बाद अब अर्णब गोस्वामी पे हुई है। और ऐसे बार बार शासन के प्रति जो सच्ची बातमी है, जो सच्ची न्यूज़ है, वो अगर पत्रकार सामने ला रहे हैं तो उनकी ये चीज़ दबाने की जो कोशिश राज्य शासन के माध्यम से चालू है, ये जो एक अघोषित आनीबानी है, वो इमरजेंसी की जो परिस्थिति लाने की कोशिश राज्य शासन कर रही है, उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन किया। नहीं, अगर आप देखेंगे तो सभी पत्रकारों के अगेंस्ट जो सच्ची न्यूज़ लगा रहे हैं, जो हालात का जायज़ा लेके जो सच्ची खबर है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी चैनल्स हो या पत्रकारों को दबाने का काम ये राज्य शासन कर रहा है। इसके लिए ऐसी कार्रवाइयों के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ये ताकत से खड़ी रहेगी।